वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। तो आज हम बनाएंगे चाशनी वाली गुजिया जो मावे और नारियल की होगी। तो चलिए बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 केजी मैदा, उसमें जाएगा 1 कप मेल्ट किया हुआ घी। घी की जगह पे आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिलाना है, मैदे को घी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब मसल मसल के मिलाना है। देखिए बिल्कुल ऐसा, अगर बंद गया तो यानी खस्ता आपका होगा। तो अब इसको मैंने यहाँ पे दूध से गूंधा था, दूध की जगह पे आप पानी से गूंध सकते हैं। दूध से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाता है और हेल्दी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसको थोड़ा टाइट सा डो बनाना है, जाहिर है खस्ता बनाना है इसको है। तो अभी हमारा डो तैयार है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के छोड़ देंगे जब तक हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया और इसमें जाएगा ये मावा है जो मैंने घर पे ही तैयार किया था, 1/2 केजी के करीब है। 4 केजी दूध सूखा हुआ है, तो ये मावा घर का बना हुआ है, होममेड मावा। तो इस मावे को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और ये मेल्ट हो गया है। इसमें जाएगा 3 नारियल जो कि पिसा हुआ है ग्राइंडर में, इसको अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लिया है। और इसमें जाएगा बादाम और काजू कूटा हुआ और किशमिश बारीक कटा हुआ, अपने हिसाब से, पसंद के हिसाब से, जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें जाएगा 1/2 केजी के करीब चीनी जाएगा जो मैंने कि पीस लिया है, पाउडर शुगर बना लिया इसको है। तो चीनी पीसते वक्त ही मैंने इलायची और दालचीनी डाल दिया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए आराम आराम से। मावा, चीनी, नारियल का पाउडर सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये फिलिंग तैयार हो जाएगा गुजिया की। बहुत ही टेस्टी फिलिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिच हो गया ये। अभी हमारा फिलिंग रेडी हो गया। ये जो हमने डो बना के रखा था मैदे का, ये भी अब रेडी है। इसकी छोटी छोटी लोई लेके पूरी बेलना है और पूरी बेल करके इसको गुजिया बनाना है। गुजिया बनाने वाला अगर है तो गुजिया बनाने वाले से बना लीजिए, और नहीं तो आप इसको हाथ से भी मोड़ के बना सकती हैं डिज़ाइन दे करके। तो मैंने यहाँ पे हाथ से बनाया इसको है, तो बना लिया इसको। इसमें थोड़ा पानी लगा के इसको चिपका दीजिए और बस, ताकि तेल में इसका मुंह नहीं खुले। और इसको देखिए बिल्कुल इस तरह से फिंगर टिप से फोल्ड कर दे जाना है, खींच खींच के और फोल्ड करते जाना है। बहुत ही प्यारा लगता है, ज़िगज़ैग जैसा डिज़ाइन बन जाता है इसका है, बहुत ही अच्छा लगता है गुजिया में, खासकर बहुत अच्छा लगता है मीठा गुजिया, चाशनी वाली गुजिया में ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे चंद्रकला होता है, चंद्रकला में भी ऐसे ही डिज़ाइन बना रहता है, हाथ से ही बना रहता है फोल्ड किया हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही टेस्टी होगा, इसको आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो चाशनी वाला मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, बाकी जो है ऐसे ही सूखा छोड़ दूंगी। ये देखिए अब हमारा ये रेडी हो गया, गुजिया रेडी है बिल्कुल। इतना में ही चाशनी लगेगा, बाकी सूखा रहेगा। अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया फ्राइंग पैन और इसमें डाल देना है तेल, डाल देना है क्योंकि डीप फ्राई करना है। इसमें कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए, रिफाइंड ऑयल। अब ये इसमें एक एक करके गुजिया डाल के मीडियम फ्लेम पर रखिए, हाई फ्लेम नहीं करना इसमें है, बिल्कुल आराम आराम से इसको फ्राई करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा कच्चा रह जाए, क्योंकि स्टोर करके इसको रखना है और करारा बनाना है। अब ये अब इसको लो फ्लेम कर देना है, मीडियम एंड लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया जाता है गुजिया को, कोई भी नमकीन खस्ता चीज़ को ऐसे मीडियम फ्लेम पे एंड लो फ्लेम पे। अब ये देखिए गुजिया बिल्कुल रेडी हो गया हमारा, एकदम गोल्डन हो गया है, मैदे का है तो इतना कलर काफ़ी है। अब यहाँ पे मैंने एक करके सबको निकाल दिया गुजिया को पैल से। इस तरह सारा गुजिया फ्राई करके रख लीजिए, देखिए बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और बहुत हेल्दी भी है। नारियल है जो कि बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, और मावा है, ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ अच्छा ही है। बस सारा गुजिया इतना हमारा ये जो चाशनी वाला गुजिया है ये रेडी हो गया है। अब चाशनी की तैयारी होगी, तो चलिए चाशनी की तैयारी करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सॉस पैन, इसमें 1 कप चीनी डाल दिया है और 1/2 कप पानी। अब इसको बॉईल करना है। इसमें थोड़ा इलायची डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, जो कुछ भी आपके पास है वो डाल करके थोड़ा खुश रंग बनाना है, खुशबूदार बनाने के लिए डाल दीजिए इलायची। मैंने इलायची डाल दिया था। अब इलायची डाल करके इसको एक तार की चाशनी बनाना है। 5 मिनट लग जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेगा चाशनी बनने में। देखिए ये अभी बस तैयार होने वाला है, चाशनी हमारा तैयार हो गया है। गुजिया पे डिप करके भी निकालते हैं, मगर मुझे डिप करके नहीं पसंद है क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी चीनी डाल दिया है इसमें, अंदर मीठा काफ़ी हो गया है, तो बस इस पे ऊपर से ही डाल दीजिए दिया। और इसको ड्राई फ्रूट से, नारियल कद्दूकस किया हुआ नारियल से डेकोरेट कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। काजू है, पिस्ता है, सजाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा, बाजार से लाख दर्जे अच्छा लगेगा खाने में, बहुत ही क्रंची होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।